बच्चों कैसे हो सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमने सुबह कई क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, हमने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। आपको पता है टोटल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो आते हैं वो 60 आते हैं, 40 नंबर की आपकी साइंस की जो आती है, साइंस मतलब साइंस का हिस्सा आता है आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि हमने 30 क्वेश्चन क्या किए थे, हमने डिस्कस कर लिए थे। और 30 क्वेश्चन आज अभी मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आज अभी आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि अब आप पढ़ते रहिए, अभी मैं वीडियो बनाना शुरू कर ही रहा हूँ अभी। तो मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि आप मेरे ऊपर पूरी तरह डिपेंड मत रहना, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी वजह से ना कि किसी का वो हो, जैसे कि कोई मेरे भरोसे बैठा रहे और एग्ज़ाम में वो ना पढ़े अपना ऐसे ही, मतलब तो वो समझ रहे होगे ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अभी जितना जल्दी हो सकता है मैं शूट करके आपको मतलब अपलोड कर दिया करूँगा। लाइव में लाइव तो नहीं हो पाता है इतना, ठीक है। लाइव के लिए पहले सेटअप तैयार करना पड़ता है। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वही बोलना चाहूँगा पहले वाली बातें, सभी को बताएं कि आप हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग एग्री के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अब वो खुल जाता है लिंक, पहले नहीं खुलता था। और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर तो आपने हमें फॉलो किया ही हुआ है कई बच्चों ने, ठीक है। तो कई बच्चों का मुझे नाम भी याद है, ठीक है। तो मैसेज भी करते हैं वो, तो बहुत अच्छा लगता है यार जब आपके मैसेज आते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए एक इंट्रो के बाद आज हम वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा हाई इंट्रो हो जाए। तो चलिए मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। और अभी 30 तक हमने कर लिए थे कवर, और तो 31 से हम शुरू करते हैं, ठीक है। 31 से शुरू करते हैं आई थिंक, हाँ ठीक है। अभी कैमरा भी ठीक है और छोटा भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ अरहर। इनमें से कौन सी एक अरहर की वैरायटी है, ठीक है। अरहर की वैरायटी आपको इनमें से बतानी है कौन सी है। तो आपका पहले की तरह आपको 31 से लेकर 60 तक आपको नंबरिंग करनी है, और उसके बाद अपना क्वेश्चन ठीक है या गलत है उसके बाद आपको मेरा आंसर बताने के बाद आपको अपना चेक करना है, और उसके बाद अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ अरहर। तो ए है आपका पारसमणि, बी है आपका मानक, सी है आपका पार्वती, या डी है आपका पूसा दाल। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो जो मानक है वही है अरहर की किस्म, ठीक है, जिसको वैरायटी को किस्म बोलते हैं, ठीक है। तो अरहर की वैरायटी वो है मानक है, ठीक है। तो आई थिंक पेन नहीं काम कर रहा, ठीक है, तो पेन पेन को काम करवा देंगे हम, देखते हैं अभी करता है। हाँ करने लग गया, अभी अभी करने लग गया, ठीक है। तो बी वाले पे लगा देता हूँ मैं, इसकी जो वैरायटी है वो है बी है मानक, ठीक है। कई बार काम नहीं करता ना पेन। तो अगला है व्हाट इज़ द लैक्टेशन पीरियड ऑफ मुर्रा बफेलो, ठीक है। मुर्रा भैंस में मतलब कितने दिन तक दूध देती है, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। जितने दिन तक भैंस या गाय या बकरी या भेड़ जितने दिन तक दूध देती है उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड कितना होता है मुर्रा बफेलो का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो गाँव वाले बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है सी है, जिसको बोलते हैं हम 300 डेज देती है मुर्रा बफेलो, ठीक है। ये डिपेंड भी करता है, ठीक है, मुर्रा बफेलो का 300 डे। एक होता है लैक्टेशन पीरियड और एक होता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन के पीरियड का मतलब कि बर्थ का जो मतलब कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन से लेके जो बर्थ होती है बेबी की, लगा लो आप ह्यूमंस पे लगा लो किसी में भी लगा लो, तो उसको बोलते हैं हम जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। ये होता है आपका लैक्टेशन पीरियड। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जेस्टेशन और लैक्टेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन सी एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, कीटाणुनाशक, ठीक है, कीटनाशक लगा लो, ठीक है, कौन सी है इंसेक्टिसाइड इनमें से। तो रोगोर, माचो, कैप्टन या एजोटोबैक्टर, ठीक है। तो बताइए। तो गाइस जो है इसका आंसर ए है, रोगोर एक क्या है इंसेक्टिसाइड है, ठीक
ठीक है, एजोटो वेक्टर तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में जब क्वेश्चन आया था तो मैंने क्या बताया था, ये एक बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, बैक्टीरिया है एजोटो वेक्टर, ठीक है। अगला है रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ ढैंचा और सनहम फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। अब ग्रीन मैन्योरिंग जिस बच्चे को पता होगा कि क्या होती है उसको ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। ग्रीन मैन्योरिंग मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ग्रीन मैन्योरिंग होती है कि ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनको पहले बोया जाता है फसल से पहले, उसके बाद उनकी क्या किया जाता हैरो चलाकर उनकी क्या की जाती है आपकी, उनकी कटाई करके उसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी में ताकि नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज हो जाए मिट्टी का, ठीक है। तो वही बताना है कि ढैंचा जो कि सनहम्प होता है तो उसकी क्या करनी है आपको, सीड रेट बतानी है किलोग्राम पर हेक्टेयर में, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा ही है, मतलब रट्टे मारने वाला ही क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो 35 का आई थिंक सभी को पता होगा, तो 35 का जो आंसर है वो है, सॉरी 34 का तो आंसर है वो है डी है, ठीक है। 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से रेट से ये डाला जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या बोला था कि मेजरमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मेजरमेंट से ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने करवाया था कि 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, तो अभी आपको 1 हेक्टेयर में बताना है कि क्या इसका आंसर है, 1000 मीटर स्क्वेयर, 1 किलोमीटर, 5 एकड़ या 10,000 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो बताइए 35 का। तो गाइज ये बेसिक सही क्वेश्चन है जीके का, तो गाइज इसका जो आंसर है वो है सी है, 10,000 वर्ग मीटर को हम 1 हेक्टेयर बोलते हैं, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। अगला 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 देखते हैं हम, ये हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 31 से लेके 35 तक, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है वो है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कासनी या चिकोरी जिसका साइंटिफिक नेम है चिकोरियम इंटाबियस इज ए वीड मेनली एसोसिएटेड वीड, किसके साथ एसोसिएटेड है ये वीड बताइए, कासनी नामक खरपतवार किस फसल से संबंध रखता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, तो 36 का जो है बी है। ये क्वेश्चन देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बेसिक से ही क्वेश्चन, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो तभी आप इनका आंसर दे पाओगे। तो बरसीम इसका आंसर है, ठीक है, कासनी वीड जो बरसीम का वीड है। रैप सीड मस्टर्ड ग्रुप ऑफ क्रॉप बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, यार मुझे ना थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है क्योंकि मैं पहली बार स्क्रीन पर आ रहा हूँ ना, तो यार उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आगे कभी स्क्रीन पर मतलब अपनी वीडियो ऐसे शूट नहीं की है, तो आई थिंक आप मुझे कोऑपरेट कर रहे होगे, धन्यवाद, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट ही मेरे लिए च्यवनप्राश, ATP, ग्लूकोज कुछ भी लगाओ मेरे लिए एनर्जी का कारण है, ठीक है। कमेंट किया करो यार, बताया करो, कोई दिक्कत हो तो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो बेशक से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या मैं जल्दी जल्दी आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि रैपसीड जो कि मस्टर्ड ग्रुप ऑफ क्रॉप है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो गाइज वो बिलोंग करता है आपका क्रूसीफेरी से, ठीक है, ये सारे के सारे आपकी क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं, ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली। अगला है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा इरिगेशन मतलब कौन सा मुख्य स्रोत है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब जो गाँव में रहते हैं ना बच्चे उनको ज़्यादा पता होगा ये, तो 38 का आई थिंक सभी को आइडिया ही होगा, आइडिया से आप इसमें तुक्का भी मार सकते हो, सबसे ज़्यादा आप क्या देखते हो, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल ही दिखते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल बोलते हैं जिसको हम। अगला है हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू डैश एग्रो क्लाइमेटिक जोन, मतलब हरियाणा कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है, ये इंडिया पे भी अप्लाई होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन और हरियाणा में, तो हरियाणा में आपको बताना है कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वो डिवाइडेड है। तो आई थिंक ये आपने कभी जीके में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो, इसका आंसर जो है वह डी है, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो कि हरियाणा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने 36, 37, 38, 39 तक कर लिए, अभी देखते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो गाइज 40 नंबर आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर, जब जब जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेटल डिजीज ऑफ चिक्स, ठीक है, इनमें से जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं जो चिक्स होते हैं उनकी सबसे भयानक बीमारी का नाम बताना आपको इनमें से। तो आई थिंक इसमें बच्चे कन्फ्यूज होंगे, इसमें फाउल पॉक्स भी दिया हुआ है, रानीखेत भी दिया हुआ है, स्मॉल पॉक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि वीडियो पॉज करके पहले आंसर देना है, तो आई थिंक आपने आंसर लगा लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर जो है फाउल पॉक्स नहीं है, इसका आंसर
डी है। रानीखेत जो डिजीज है वो एक, रानीखेत एक जगह का नाम है पता आपको, ये जिस जगह में ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ना डिजीज, उसी के नाम पर ये रख दिया गया है रानीखेत। ठीक है, अगला है मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज आर क्यूज्ड बाय, इनमें से कौन सा, मतलब कि जितने भी प्लांट के डिजीज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा जो डिजीज क्यूज करता है। तो आई थिंक इसका आंसर बच्चों को पता होगा, तो पॉज कीजिए वीडियो और पॉज करके बताइए, होप आपने पॉज की हुई होगी। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो है वो फंजाई है, फंगस फफूंदी, जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो मशरूम है वो एक फंगस है, लेकिन कुछ फंगस एडिबल भी होती है, जैसे कि मशरूम जिसको हम कॉमन मशरूम होता है जो एग्रिकस होता है। ठीक है, एग्रिकस साइंटिफिक नेम है उसका। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज जनरली ऑब्जर्व इन डायरेक्ट सीडेड राइस इन, ठीक है ये शायद थोड़ा कट गया है। ठीक है, हल्की रेतीली मृदा में धान की सीधी विभाजित करने के पौधों की आवश्यकता, अच्छा हाँ पौधों की वो बतानी है, मतलब न्यूट्रिएंट बताना आपको। ठीक है, जो डायरेक्ट सीडेड राइस होती है ना, तो कौन सी सॉइल में, मतलब रेतीली मिट्टी होती है ना, जो जैसे कि जो सैंडी सॉइल होती है, ठीक है हल्की रेतीली, ठीक है जो थोड़ी थोड़ी हल्की हो, तो उसमें कौन सा जो, मतलब कौन सा एलिमेंट है जो कि वो सबसे ज़्यादा, मतलब एलिमेंट लगा लो आप, न्यूट्रिएंट लगा लो, ठीक है तो कौन सा वो। तो 42 का आंसर आई थिंक सभी को, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। तो गाइस 41 का जो आंसर है वो है ए है आयरन। ठीक है, आयरन की बहुत ही, मतलब कि कमी रहती है, ठीक है हल्की रेतीली मिट्टी में। ठीक है, ये यहाँ पर देखना क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, हल्की रेतीली मृदा में सीधे धान की सीधी बिजाई करने पर पौधों के लिए आवश्यक किस तत्व की कमी अक्सर दिखाई देती है। ठीक है, तो उसमें तो मेनली आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है जो सैंडी सॉइल होती है ना, तो उसमें तो मेनली क्या होता है कि आयरन की कमी पाई जाती है, क्योंकि यार रेत ही रेत होता है ना चारों तरफ। ठीक है, अगला है जंगली पालक इज ए वीड एसोसिएटेड विद क्रॉप्स ड्यूरिंग, ठीक है तो जंगली पालक कौन सी, मतलब कौन सी सीजन की क्रॉप में जनरली पाया जाता है जंगली पालक, 43 का बताना आपको। तो जंगली पालक जो रबी सीजन की, अभी अब देखो पालक किस चीज़, अभी देखो आपको जंगली पालक, आपको साइंटिफिक नेम भी याद करना है जिसका है रूमेक्स स्पीसीज, ये जंगली पालक का साइंटिफिक नेम है। तो पालक क्या है, एक रबी क्रॉप है, ठीक है तो वीड भी रबी क्रॉप के साथ ही एसोसिएटेड होगा, तो इसका आंसर जो है वो है ए है रबी क्रॉप, मतलब रबी सीजन। ठीक है, रबी क्रॉप लगा लो, रबी सीजन लगा लो, यहाँ पर रबी सीजन आएगा। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर जो है वो है ए है, 43 का आई क्वेश्चन। ठीक है, 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लोगे। ठीक है, अगला है वो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज इज मोस्टली फाउंड इन, ठीक है पैर और मुंह खोर बीमारी का संबंध किससे है, इनमें से फुट एंड माउथ डिजीज किस चीज़ में पाई जाती है ज़्यादातर। तो गाइज फुट एंड माउथ डिजीज सबसे ज़्यादा कैटल में देखी जाती है, ठीक है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, तो ये कैटल में पाई जाती है, ठीक है पशु जिसको मवेशी भी बोलते हैं हम। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज। अगली है द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉयल वाटर इज नोन एज, ठीक है सरफेस का जो, सॉयल के सरफेस पर जो वाटर होता है उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, भूमि की सतह से नीचे की ओर पानी के प्रवाह को क्या कहा जाता है, हिंदी वाले भी देख सकते हो आप। ठीक है, अभी बताना आपको, इसमें जल्दी से पॉज करके वीडियो बताइए, तभी मैं वेट कर लूँगा थोड़ी देर। उसको बोलते हैं गाइज हम परकोलेशन, जिसको हम हिंदी में नितारना या पार्चेवन, ठीक है हिंदी मेरे को अभी थोड़ी बोलने ही नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बी है इसका आंसर परकोलेशन। ठीक है, परकोलेशन बोलते हैं इसको। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ 49 ही है। सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, ठीक है अब पृथ्वी का जो ठोस पार्ट है, ठोस हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं। तो गाइज आपको पता होगा कि पृथ्वी जो अर्थ है उसको हम कई टाइप से डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक होता है एटमोस्फियर, एक होता है हाइड्रोस्फियर, एक होता है लिथोस्फियर, एक होता है थर्मोस्फियर। ठीक है, तो जो सॉलिड पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फियर। ठीक है, लिथोसीर भी बोल, लिथोसीर एक अलग चीज़ होती है, इसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, एटमोस्फियर जो आप अर्थ के, मतलब जो सरफेस है उससे ऊपर वाला जो आउटसाइड का इलाका, उसको एटमोस्फियर बोलते हैं। जलवीय, जल वाला इलाका, जलमंडल जिसको, उसको हाइड्रोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडल, ये आप हिंदी में भी देख सकते हो। अगला है द सीड ऑफ मशरूम इज कॉल्ड एज, मशरूम के सीड को क्या कहा जाता है इसमें। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, तभी आप पॉज कर लीजिए। तो मशरूम के सीड को बोलते हैं हम स्पान, SPAWN, ठीक है स्पान बोलते हैं हम मशरूम के सीड को। अगला है 51 क्वेश्चन है, ठीक है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ खोया कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम बफेलो मिल्क, यानी कि 1 किलोग्राम भैंस के दूध से कितना ग्राम आप खोया बना सकते हो। ठीक है,
तो गाइस ये थोड़ा क्वेश्चन वेरी करेगा क्योंकि ये डिपेंड भी करता है। तो गाइस जो है इसका आंसर आपको मतलब कि ऐसे एवरेज सा ही लगाना है, ठीक है। तो अगला है इसका आंसर जो है बी है, 300 ग्राम है जो खोया इससे निकाला जाता है, ठीक है, बफेलो की मिल्क से, ठीक है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, ये एक एवरेज है क्योंकि भैंस की भी कई वैरायटीज होती है ना, जैसे कि ठीक है वैरायटी तो नहीं बोल सकता कि मतलब अलग अलग वो होती है, ठीक है, ब्रीड होती है, ठीक है। वैरायटी तो किस में होती है, इसमें होती है, क्या कहते हैं, प्लांट्स में होती है, ठीक है, इसमें हम ब्रीड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ब्रीड का ये अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, जो एवरेज होता है वो 300 ग्राम होता है, ठीक है। तो एवरेज सॉरी, थोड़ा मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं पहली बार स्क्रीन पर आ रहा हूँ मैं, तो यार थोड़ा कोऑपरेट करो यार, थोड़ा मुझे ना एक्चुअली मैंने कभी ऐसे पढ़ाया नहीं है ना, तो इसलिए पहली बार ऐसा लग रहा है। तो एवरेज 300 ग्राम है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। अगला है 52, फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पर्ल मिलेट जिसको हम बाजरा बोलते हैं इन हरियाणा, ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग इज, ठीक है, कितनी सीडलिंग जो प्योद होती है, सीडलिंग होती है उसकी कितनी एज होनी चाहिए बाजरा को हरियाणा में लगाने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक बताइए क्या है इसका आंसर, जो इसकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 3 वीक्स, ठीक है, ऑप्टिमम एज होनी चाहिए आपकी 3 वीक्स होनी चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा को। अगला है वो है 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन पर आगे हम हमारी वीडियो भी खत्म होने वाली है। अगली है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरीगेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड बताना आपको कि किस चीज़ से मतलब इरीगेशन का, ठीक है, इंडिया में जो कि मोस्ट कॉमन। तो इंडिया में तो मोस्टली क्या करते हैं हम, फ्लड इरिगेशन ही करते हैं कि खेत को पानी से भर देते हैं, आपने देखा भी होगा खेतों में, ठीक है, तो खेत को पानी से भर देते हैं उसको बोलते हैं हम फ्लड इरिगेशन, चारों तरफ से हम पूरी तरीके से भर देते हैं खेत को। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वराइटी ऑफ बासमती राइस, बासमती राइस की इनमें से कौन सी वराइटी है बताइए, बासमती राइस की। तो वराइटी तो मैंने वैसे ट्रिक भी बनाई हुई है उसका, आप देख सकते हो आप सर्च करके। तो गाइज इसका बताना आपको बासमती राइस की, थोड़ा पॉज कर सकते हो आप वीडियो को, थोड़ा टाइम दे देता हूँ मैं आपको। तो गाइज जो है इसका आंसर वो है सी है, CSR 30, ये एक राइस की वैरायटी है जो कि बासमती राइस होता है, ठीक है, बासमती राइस की ये क्या है, एक वैरायटी है, ठीक है। बासमती राइस आपको पता होगा हरियाणा की बहुत फेमस है, ठीक है, जो तरावड़ी साइड का इलाका है वहाँ पर बढ़िया तरह का बासमती राइस मिलता है, ठीक है। अगला है रिकमेंडेड सीड रेट फॉर खरीफ रेनी सीजन मूंग बीन इज, ठीक है, खरीफ रेनी सीजन में जो मूंग बीन को हम वो करते हैं लगाते हैं, तो उसकी सीड रेट बतानी है आपको क्या है। तो उसकी सीड रेट गाइज इसका आंसर जो है सी है, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से हम उसमें बीज डालते हैं, ठीक है, खरीफ सीजन मूंग बीन का। तो ये देख सकते हो आप क्वेश्चन की कितने मतलब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, मतलब आपको अभी बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, घबराओ मत, मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी आप लगा के जाना, और जो ICER में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप लगा लेना। तो अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, तो आई थिंक आपके भी डाउट डूट भी आ रहे होंगे, तो डाउट आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला है जी हमारा, अगला क्या है, अब भाई जो अगला क्वेश्चन है ना भाई क्या बताऊँ, ये क्वेश्चन ना नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और BSC एग्रीकल्चर ICER में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, BBSC का भी क्वेश्चन है, मतलब यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग आता ही आता है, ठीक है, GK में भी आता है ये। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ, गोल्डन राइस किसका मेनली सोर्स है, गोल्डन राइस, सो गोल्डन राइस मेनली सोर्स है वो विटामिन ए का सोर्स है गोल्डन, ठीक है। तो गाइस का आंसर जो है ये है ए है, ठीक है, विटामिन ए मेनली इसमें पाया जाता है और ये गोल्डन राइस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अगला है कॉमन व्हीट ब्रेड व्हीट इज है, ठीक है, उसकी आपको प्लॉइड लेवल बतानी है आपको कि वो क्या है, हेक्साप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर 57 का वो है डी है, हेक्साप्लॉइड है जो कॉमन ब्रेड व्हीट है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रोनी व्हीट है वो क्या है, ठीक है, वो होती है गाइज, वो होती है टेट्राप्लॉइड, ठीक है, और ये है हेक्साप्लॉइड। तो इसका आंसर जो है वो है डी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो वीट से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो आपको एग्रोनॉमी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं हम, ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं, एक मिनट पेन को थोड़ा सेट कर लो, हाँ ठीक है। दी बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री वॉज रिटन बाय, ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यार, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जब एग्रोनॉमी करवाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर जो है वो है ए है, जुथ्रो टूल ने ये लिखी है, हॉर्स शोइंग हस्बेंड्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, जुथ्रो टूल को हम क्या बोलते हैं हम, या आप एक और स्पेशल चीज़ है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या स्पेशल है जुथ्रो टूल के बारे में। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर ऑफ परमानेंट टाइप ऑन रूट केन सेट्स। ठीक है, रूट के सॉरी शुगर केन के जो सेट्स होते हैं उसमें आपको परमानेंट टाइप की रूट बतानी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर ऑफ परमानेंट टाइप ऑन शुगर केन सेट्स। तो शुगर केन के जो सेट्स होते हैं ना, आपको पता होगा, जिसको हम पोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी रूट्स परमानेंट होती है, तो इसका आंसर जो है वो है बी है, शूट्स रूट। ठीक है, शूट रूट्स का मतलब क्या है कि जो तने से जो निकलती है ना जड़े, उसको बोलते हैं हम शूट रूट्स। ठीक है, प्रोप रूट क्या होती है कि प्रोप रूट एक तरह से क्या है कि आपका मतलब मॉडिफिकेशन है रूट का। ठीक है, ये किस लिए होती है प्रोप रूट, प्रोप रूट होती है आपकी मतलब कि ऐसे जैसे पौधा खड़ा होता है ना, तो उसको थोड़ा नीचे से जैसे कि प्रोप रूट आती है आपकी, जैसे कि ये तो होगी आपकी मेन प्लांट की बॉडी। ठीक है, ये होगी आपकी सॉइल सर्फेस, यहाँ से ये रूट निकल रही है आपकी। ठीक है, तो प्रोप रूट यहाँ से निकलेगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर से, ताकि पौधा गिर ना सके हवा वगैरह आने पर। ये आपने देखा भी होगा, ये पाया जाता है आपका, ये गन्ने में भी पाई जाती है, ये आपकी मेज में भी पाई जाती है। ठीक है, शुगर केन में भी पाई जाती है आपकी। तो अगला है लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, 1 टन इज इक्वल टू, यार ये क्वेश्चन तो मतलब यार अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना यार, फिर आपने क्या किया मतलब। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही यार मतलब क्या बोल लूँ यार, ये क्वेश्चन तो इतना आसान है ना, हर बच्चा बता देगा इसका कि 1 टन कितने किलो के बराबर होता है। ठीक है, 1 टन आपको पता होगा 1000 किलो के बराबर होता है, ये तो सभी को पता है। इसका आंसर वो है सी है, 1000 किलो के बराबर। तो गाइज हमने आज 30 क्वेश्चन, अभी मैं थोड़ा स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी हाँ बड़ा हो जाता हूँ आपके लिए। ठीक है, हाँ अभी आ रही, ठीक है ठीक आ रही। तो गाइज अभी हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, और अभी आप देख सकते हो कि किस चीज़ का कितना वेटेज है, यानी कि आपको इकोनॉमिक कितनी पढ़ने की जरूरत है, आपको सीड साइंस कितनी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपको पोमोलॉजी कितनी पढ़ने की जरूरत है, आपको प्लांट पैथोलॉजी कितनी पढ़ने की जरूरत है। तो आप से हो, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, 60 क्वेश्चन करवा दिए आज, दो वीडियो। पढ़ते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स का आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बजाय आप चीज जो आने वाला है, तो आप एग्जाम पर ही बेसिकली फोकस कीजिए। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि बस जुड़े रहिए हमारे साथ, और बस और क्या बोलूँ, और तो सभी आपको पता ही है, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बस यही बोलूँगा कि इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो गाइज और वीडियोज़ को भी देखिए, और बच्चों को भी बुलाइए, पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, और फोड़ दीजिए एग्ज़ाम को। बस यही चाहता हूँ मैं कि आपका एचयू में आपकी साल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो गाइज बाय बाय, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो चलिए जी।